खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ से है, जहां के बामेती में आजा जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जल जीवन हरियाली दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने। इस मौके पर कृषि सचिव श्रवण कुमार भी मौजूद थे। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा हम लोग दे रहे हैं और जैविक खेती से हमारा वातावरण शुद्ध होगा। हम चाहते हैं कि किसानों को खेती करने में कृषि वैज्ञानिक भरपूर मदद करे, ताकि वो बेहतर तरीके से कृषि कार्य कर सके और उत्पादन में बढ़ावा मिल सके। किसानों को आमदनी बढ़ाने का साधन कृषि है और उसको बेहतर तरीके से करने का और भी आमदनी बढ़ेगा, इससे आमदनी का बहुत ही मुनाफा होगा। कृषि वैज्ञानिक का इसमें बहुत अहम रोल है। इस नाते किसी भी विभाग में और किसी भी विभाग इस अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है और प्रयास हमारे और उसको हम और अधिक आगे बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक रूप से इस अभियान में हमारा योगदान भी और बढ़ेगा। और इससे न केवल परिवर्तन है, इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना। सो गांव में रहने वाले किसान को मालूम भी नहीं है, वो तो इनोसेंट है, लेकिन वो उसका जो कुप्रभाव है वो आगे पढ़ना शुरू हो गया। खासकर पिछले 2-3 साल में हम लोग उसको देखने को मिल रहा है कई क्षेत्र में, और उसमें कृषि क्षेत्र में भी जरूर देखने को मिल रहा है। कृषि क्षेत्र में खासकर असमय बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, कई सुखाड़ की स्थिति है, बाढ़ की स्थिति है, ऐसा चीजें पिछले 2-3 साल में ज्यादा होने लगा, और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिन में और ये ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ते जा रहा है, तो उसके चलते सब क्षेत्र में प्रभाव है और उसमें कृषि में भी इसका प्रभाव है। और सबसे अपने संबोधन में लगभग इस पर चर्चा से संबंधित सभी विषयों को छुआ और अपने संक्षिप्त संबोधन में सबका ध्यान उस ओर आकृष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया है और सफल प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि हम सभी इस कार्य में लगे हुए हैं, इसके महत्ता को सभी समझते हैं, सभी जानते हैं, और यह जल जीवन हरियाली यह एक महाअभियान है, बहुत बड़ा अभियान है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी, मैं तो उन्हें एक दृष्टा मानता हूं, वो आज की कम कल की ज्यादा सोचते हैं, कल क्या होगा, जहां पेड़ है, जहां बाग बगीचे हैं, जहां हरियाली है, वहां पानी का लेवल बहुत ऊपर है, जहां नहीं है कुछ वहां पानी नीचे चला गया, पानी पीने का संकट पैदा हो गया। आज इस प्रकार का ड्रिप इरिगेशन की चर्चा हमारे सेक्रेटरी साहब ने किया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उसमें 90% सब्सिडी है। हमने देखा चाय बगान 1,500-2,000 एकड़ का, उसमें ये स्प्रिंकलर ये ड्रिप इरिगेशन ये जो हम लोगों का जो है कृषि सिंचाई का प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई का बूंद बूंद पानी, हम लोग तो उस पुरानी विधा को जानते हैं, खेत में पानी भर दो, खेत को सूखने मत दो, खूब पैदा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, पानी उतना दो जितनी आवश्यकता है और उस इरिगेशन से ड्रिप इरिगेशन से जितनी आवश्यकता है उतनी पानी हम दे सकते हैं और पानी जड़ में जाता है, जड़ ही सब कुछ।